नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे पाप हैं जिनको कभी भगवान माफ नहीं करते और देते हैं आपको कठोर दंड, तो वो कौन से पाप हैं? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। मनुष्य जीवन कर्मों का ताना बाना है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। मनुष्य योनि में जन्मी जीवात्माओं के कर्मों को पाप और पुण्य की श्रेणी में रखा गया है। वो कर्म जिनसे किसी का नुकसान हो वो पाप कर्म कहे जाते हैं। दूसरों की मदद के लिए किए गए कर्म पुण्य कहलाते हैं। व्यक्ति से कई बार गलतियां हो जाती हैं जिसकी क्षमा उसे ईश्वर से मिल जाती है, लेकिन कई बार ऐसी गलतियां होती हैं जो माफी के लायक नहीं होती। आइए जानते हैं किन कर्मों को भगवान कभी माफ नहीं करते। दोस्तों, शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव जी को सादगी पसंद है, पर भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी होते हैं, खास तौर पर ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं। भगवान शिव हर व्यक्ति के मन की बात सुनते हैं। शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी में शिव की पूजा सबसे ज्यादा लोग करते हैं। खास तौर से युवाओं के बीच शिव जी बहुत प्रचलित हैं। लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं गुस्सा भी उतना ही जल्दी उनको आता है। शिव पुराण में कार्य, बात, व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित हैं जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति हमेशा शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आपने सुना होगा दोस्तों कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं, यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वो भी भगवान से छुपा नहीं है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा है तो ये भी पाप की श्रेणी में आता है। आइए जानते हैं किन कर्मों को भगवान माफ नहीं करते। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो ये भी जरूर मानते होंगे कि वो सभी जगह विद्यमान है। आपके मन मस्तिष्क में चल रही हर छोटी बड़ी बात वो जानते हैं। इसीलिए अगर आपने किसी का सोच समझ कर बुरा चाहा है, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, किसी के प्रति बुरे भाव रखे हैं, तो ये भी एक पाप है। सोच समझ कर की गई गलती भगवान माफ नहीं करते। दूसरा है शादी तोड़ने की कोशिश। भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रख पाते, खास तौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से भोलेनाथ नाराज होते हैं और इस पाप को माफ नहीं करते। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना, उसे पाने की इच्छा करना, ये भी पाप की श्रेणी में आता है। तीसरी चीज है दोस्तों, पैसों की धोखेबाजी। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेराफेरी करना, धन संपत्ति लूटना पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए ये अपराध है जो कि कभी माफ नहीं होता। चौथा है कष्ट देना। किसी भोले भाले निरपराध इंसान को कष्ट देना, नुकसान पहुंचाना, बाधाएं पैदा करना, ये सब भगवान शिव की नजरों में माफी ना देने योग्य पाप है। पांचवा है दोस्तों, गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। ऐसे लोगों का पाप अक्षम्य होता है। इसके बाद है दोस्तों, बुरी सोच। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद बुरी सोच रखें तो भी पाप होता है, इसी तरह से भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन अगर आपकी बोली अक्षम्य पाप करती है तो भी आप अक्षम्य पाप के अधिकार बन जाते हैं। सातवां है दोस्तों, गर्भवती महिला को गलत वचन बोलना। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को गलत बातें कहना, उसका दिल दुखाना शिव की नजरों में अक्षम्य अपराध है। आठवां है नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और ये अक्षम्य पाप का भागीदार बनाता है। और दोस्तों, अंत में है अफवाह फैलाना। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से उसकी पीठ पीछे बातें करना, अफवाह फैलाना, ये सब अक्षम्य अपराध है। इन सब पापों की आपको भगवान शिव से माफी नहीं मिल पाएगी।
तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या सीखा, आपको किस तरह के कर्म करने चाहिए और किन से बचना चाहिए, इसके बारे में हमने बताने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।